लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों बन रहा है? देखो करीब से मिले हैं नसीब। ये ब्लॉग मैं इसलिए और बना रहा हूँ एक कमेंट आया था ना कल। मुझे तो यार दिक्कत है ना यार, तो इसका मजाक बनाओगे पकली। चलो निकलो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। एक चीज कराएंगे, शादी करने के बाद हम एक ही गर्लफ्रेंड और बना, एक ही गर्लफ्रेंड दोनों। अब जो जनाब कहेंगे वही ना करूँगी। आफ्टर ऑल इनका हुक्म सर आपको पता। सो हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी ठीक होंगे। सो गाइस, आज ना बड़ी खुशी की बात है, मेरे सब्सक्राइबर जब मेरे से मिलने आते हैं तो अचानक से इसी पार्क में मैं वीडियो शूट कर रहा था तो एक भाई आ गए जिनका नाम उमर है। सब्सक्राइबर तो हैं ही मेरे, बट वो ना दिल्ली NCR नोएडा में जॉब भी प्रोवाइड करते हैं। उमर ऐसा रहे हैं जिनका नाम उमर है, ये हैं वो भाई। तो हेलो भाई, कैसे हो? हाय, ठीक हूँ मैं। ये सचिन भाई है, कपिल भाई है। इनकी ना मैं वीडियो देखता था यूट्यूब पे, तो काफ़ी अच्छी वीडियोस बनाते हैं, फनी वीडियो, और इनकी पूरी टीम लगी रहती है। तो मैंने सोचा इनसे मैं मिलूं, तो मैं आज इनसे मिल लिया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है। कपिल भाई, मैं काफ़ी मतलब खुश हूँ आपकी वीडियोस देख के, बड़ा खुश रहता हूँ। फनी वीडियो बनाते हो आप, थैंक यू। बाकी गाइज, मैं इनका कार्ड ना साइड में मेंशन कर रहा हूँ, जिस किसी को भी जॉब की नीड हो नोएडा में, दिल्ली में, तो साइड में मैं इनका कार्ड मेंशन कर रहा हूँ, तो मुझे कांटेक्ट करना मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे भी, और इनका कार्ड पे नंबर है, इन्हें भी कांटेक्ट करना, ठीक है? तो भाई मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है इनसे मिलके, एक तो सब्सक्राइबर है और प्लस यार HR और है। चलो मैं भी तुम्हारे पास जॉब पे आ जाता हूँ। क्या हुआ? हाँ क्यों नहीं, आ जाऊँ? आप ना नहीं, खुशी नहीं मिली शायद। जैसे आप काम करते हो, वीडियो बनाते हो, कोई नहीं, तो मैं पार्ट टाइम जॉब भी प्रोवाइड कराता हूँ। जैसे आपको नाइट शिफ्ट में जॉब करनी है कहीं BPO वगैरह में पेशेंट की, तो हम वो भी प्रोवाइड कराते हैं। क्योंकि आज के टाइम में ना अर्निंग होना ज़रूरी है, कि अपने शौक भी पूरे होते रहे और बंदे की अर्निंग भी होती रहे। बड़े हो गए ना, फैमिली पे हम डिपेंड नहीं रह सकते। तो आप कपिल भाई कर सकते हो, इन वीडियोज़ के साथ साथ आप पार्ट टाइम जॉब भी कर सकते हो। मैं आपका नाइट शिफ्ट में भी इंटरव्यू शेड्यूल करवा सकता हूँ। गाइस मेरी तो जॉब लग गई, अब और किसी को अगर अपनी जॉब लगवानी है तो भाई मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करना, और साइड में इनका मैं कार्ड जो है साइड में मेंशन कर रहा हूँ, इन्हें भी कॉन्टैक्ट करना। वैसे जॉब की तो सभी को नीड होती है यार, पढ़ाई के साथ साथ अपनी खर्चा उठाना बहुत ही ज़रूरी होता है इस डेट में। तो बाकी गाइस यार, प्रिंस भी आने वाली है और उसका ना आज मुँह बन रहा है। मुँह इसलिए बन रहा है क्योंकि यार एक भाई ने कल ना ऐसा कमेंट कर दिया था वीडियो पर, जिसकी वजह से मुझे बोल दो कुछ भी यार, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यार एक लड़की के बारे में ऐसा कमेंट कर दिया तो मुझे बताने में भी ना यार बता नहीं सकता मैं क्या। वो थोड़ी देर में ही आ रही होगी, अभी उससे मिला था, थोड़ा सा ना गुस्सा है वो रात से, बाकी मिलते हैं उसके आने के बाद। क्या है, क्या है ये? कुछ नहीं दिख रहा वहाँ पे फिलहाल, तो जो भी दिखा रहे हैं। लेकिन तुम्हारा मुंह क्यों बन रहा है? इसीलिए बन रहा है, मुझे पता है किस लिए बन रहा है यार। मैंने तो प्यार से लिया था, मैं दो ही बार पहने और खराब हो गए। और किस लिए मुंह बन रहा है, मुझे पता है। बस यही है, ठीक है? तो ठीक है, मैं ना डर रहा था। पर क्यों डर रहा था मैं? बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी, बिल्लो बग्गे बिल्ले आंदा की करेंगी। वो कमेंट की वजह से तुमने वो देखा, लेकिन यार तुम लोग तो कुछ भी कर देते हो, बस तुम्हें तो बस टाइप करना कि हाँ, लेकिन ये पता नहीं रहता किसी के माइंड पे क्या असर पड़ेगा क्या नहीं। तो कमेंट करो, लेकिन अच्छे अच्छे कमेंट करो, ये नहीं बोलता कि मैं कमेंट मत करो। और यार हमारे घर वाले भी वीडियो देखते हैं, कमेंट देखते हैं, तो सबका माइंड, अब क्या ही बोलूँ। चलो अभी तो मैं थोड़ी देर के लिए सचिन के पास जा रहा हूँ, उसने कॉल किया मुझे, बुला रहा है।
तो आगे का प्रोसेस दिखाता हूँ। वैसे मूड तो नहीं था मेरा ब्लॉग बनाने का, लेकिन ये ब्लॉग मैं इसलिए और बना रहा हूँ क्योंकि एक कमेंट आया था ना कल, उस वजह से मैं खास तौर पे तुम्हारे लिए ये ब्लॉग बनाया है मैंने कि ऐसे कमेंट ना करा करो यार। क्या कैसा चल रहा है वो देवर जी के और हमारे बीच के प्रीति? एक बात बताऊं तुझे, प्रिंसी ना मुझे रोज रोज बोलती है क्या मेरी वीडियो एडिटिंग करके नहीं देते, लेकिन वीडियो एडिटिंग करके दे दूं तो भूल जाती है। ये भूल मुझे तो यार दिक्कत है ना यार, तो फिर इसका मजाक बना हो गया। तो मजाक नहीं बना रहा फिर मैं मुझे बताऊं प्रिंसी तुम ना एक चीज खाया पता नहीं मुझे डर लगता है कहीं ऐसा दिन ना आ जाए कि तुम बादाम खाया करो। बादाम बादाम मैं वही बोल रहा हूं, बादाम खाया करो भाई। मैं रोज खाती हूं। कितने रोज? 2-3-4 हमेशा ही खाती हूं। 50 बादाम खाओ डेली 50 बार। अरे तुम किसी दिन मेरे को भूल गई तो? नहीं वो मुझे अलग ही मेरा है ना। नहीं किसी दिन मेरे को ही भूल गई तो? आई हैव अ डिजीज एंड आई एम सफरिंग फ्रॉम माइनिया। सर्च कर लेना माइनिया क्या डिजीज होती है तो पता चल जाएगा। उसमें चीजें भूलते लोगों को? हाँ मैं तो इंसान को भी भूल जाऊँ किसी दिन बाद खड़े खड़े भूल जाऊंगी। फिर तुम कपिल से शादी करोगी और उसके बाद कपिल के घर वालों को भूलोगी? नहीं नहीं मैं ये बोल रहा हूँ दिलाना पड़ेगा आपको किसी मेरे से शादी। अरे मेरी तो सुन लो, मैं तुम्हारा पति हूँ। वो एक मूवी है ना, कौन सी मूवी है वो, गजनी। वो अपने शरीर पे सारा टैटू बना के रहता है, नंबर लिख के रहता है। तो उसमें प्रिंसी के हाथ में मेरे नाम का टैटू बनवा दूंगा कहीं किसी दिन। टैटू कृति हो रही है गाइस, लड़कियां आजकल बहुत ज्यादा मजाक बनाने लगी हैं और करें भी क्या। नहीं बना रही, आपको बता रही हूँ क्या ताकि आप दोबारा ये गलती ना करो पगली। टैटू हाँ। पहले मैं वो कहता था सूट पे, मतलब वीडियो सूट को सूट कहता था, सूट कहता था सूट। मेरे को सारे लोग क्वालिटी में क्वालिटी कहता था, तब फिर टोकते थे हंसते थे। नहीं वो एक बार आपको कोई सामने वाला टोक दे सही है क्योंकि अरे ठीक है बकवास बंद कर लो, गलती ना करो। और चलो निकलो यहाँ से, मैं जा रहा हूँ। ये क्या तरीका है? तो किसी दिन मेरे को भूल गई तो मुझे भी तो अपने हद में रहना पड़ेगा कहीं ज्यादा। मतलब दिखा दिया ना आपने कि अगर मेरे को कभी ये चीज हुआ और ये अटैक्स आए दोबारा से तो आप मेरे साथ ऐसा ही करोगे, देख लो। पागल ऐसा करूंगा? इनकी दूसरी भी शादी करा देना यार, तो मैं ताकि मैं भूलूं तो इनको छोड़ूं, दूसरा सेट हो जाए इनकी लाइफ। नहीं वो एक चीज कराएंगे शादी करने के बाद, हम एक एक गर्लफ्रेंड और बनाए, एक ही गर्लफ्रेंड दोनों से काम चलाए। वो तो यार वो तो कंपलसरी है। एक बार बस छुटका वो दो थोड़ा सा और लड़के दिखा देते हैं अपनी। कौन हमारे जैसे सोच का है शादी करने वाले? कोई नहीं है, कोई नहीं करता आजकल के लोग, बहुत लॉयल है, बहुत ही ज्यादा अपनी बंदी से। कमेंट करना गाइस, कमेंट नोबडी की वो वैसे यार कमेंट कमेंट की बात मत किया कर, गंदे गंदे कमेंट कर देते हैं आजकल। मुझे कल रात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही है। क्या कर दिया? और मैंने आज ना पूरा ब्लॉग उस कमेंट की वजह से पूरा ब्लॉग बनाया है, ज्यादातर उसकी बातें रखी है मैंने। बनाया है क्या? किसी भाई ने क्या ही बोलूं, गंदा कमेंट कर दिया था यार। भाई गंदे कमेंट मत किया करो यार, तुम लोगों के लिए ही मेहनत कर रहे हैं। अगर देखना अच्छा लगता है तो देखो, अगर तुम्हें उस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि हाँ ये लोग सही नहीं है तो उसको अच्छे से समझा दो। देखो हम तुम लोगों के लिए ही काम करते हैं, सारी चीज़ छोड़ छाड़ नहीं के। कुछ क्या कोई होता है ना, ये उंगलियां तो 5 उंगली एक सी थोड़ी हैं, तो एक दो निकल आते हैं, लेकिन कमेंट करने से पता नहीं उनको दिल को तसल्ली मिलती है क्या कर देते हैं। लेकिन मेरे बारे में कमेंट कर दो, कोई जरूरी है लड़की के बारे में ऐसा कमेंट करना? प्रिंसी के बारे में प्रिंसी किया के लिए कुछ गंदा कमेंट कर दिया। अच्छा मैं समझ गया, 5 उंगली मतलब उन्होंने पुरानी जो यो आई थी। नहीं 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 था कुछ, अब बताने लायक नहीं है वो, बताने लायक नहीं है यार। प्रिंसी को पता है? नहीं पता। और क्या करती, अब जो जनाब कहेंगे वही ना करूंगी। आफ्टर ऑल इनका हुक्म था आंखों पर, एक दिन जब भूल जाऊंगी तो मैं। बाकी गाइस ऐसे कमेंट गंदे कमेंट मत किया करो, हम लोग पूरा फोकस आप पे रखते हैं कि आप खुश रहो हमेशा। अपनी चीजें खतरे में डाल देते हैं वो भी आपके लिए, हर एक चीज़ ब्लॉग बनाते हैं सारी चीज़ें। किसके लिए कर रहे हैं हम? आपके लिए भाई। जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो कुछ तो चीज़ें हमें भी चाहिए कि हमारी कुछ, जैसे हमारी पढ़ाई को एक वक्त को कम टाइम देते हैं, इस चीज़ को ज़्यादा देते, तो हमारा हक बनता है कि हमारा यहाँ थोड़ा बहुत वो हो। और हम तुमसे जो तुम हमसे जुड़ो, हमें अच्छा लगे कि हमें मोटिवेशन तो मिल रहा है लोगों से, हमें जुड़ रहे हैं
ऐसा यार कुछ नेगेटिव चीज़ लगे तुम अच्छे से बोल दो कि सचिन भाई या कपिल भाई ये दिक्कत है, ये चीज़ मत करो, ये अच्छी समाज में ये चीज़ अच्छी नहीं है, उसकी वजह से नहीं। और बाकी गाइस तुम लोगों की खुशी के लिए ना मैं खतरों का खिलाड़ी सोच में जाता हूं। शायद मुझे लगता है दिल्ली में बहुत लड़कों को देखता हूँ, सब अलग लगते हैं, हमें उनसे बहुत हम बेटर मारे। अब तुम ये बोलोगे अपने आप की तारीफ कर रहे हैं, बट रियलिटी है, रियलिटी है, मैंने अभी तक किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखा है। गंदे आदमी सच में मैंने आंख देखा पर गलत नहीं सोचते किसी के बारे में। प्लीज पता नहीं क्या क्या उठा के देख रही हूं गाइस, कितनी बात कर रहे हो गाइस, व्लॉग में यही बंद कर रहा हूँ। कमेंट करना हो तो अच्छे अच्छे कमेंट करना, बाकी नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।